क्या बोली भाषा? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्या बोले हैं? क्या बोले कैमरे से? रखा मैं यहाँ पर, क्या ड्यूटी दिया गया है? क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है पता है अपनी ड्यूटी? सब यहाँ पे लफंगों को रख दिया यहाँ पर और जनता के साथ ये सब कर रहे हैं। ऐसे जानते हैं आप अपनी हैसियत जानते हैं? अभी सर तो बोल ही रहे, यहाँ पे आप नौकर हैं जनता के। हम कहा जनता से आपको तमीज से बात करनी है? नहीं, मेरे सामने गलत बात कर रहे हो, बोल रहे तो पूछे कहा? ये जब जनप्रतिनिधि से बोलने की तमीज नहीं जानता है तो ये क्या करेगा जनता के साथ? और ये तेवर कहाँ से आ गया? हमको तेवर की नहीं, नहीं, जिस तेवर से बात करते हो कैसे तेवर आती है? जब जनप्रतिनिधि से, विधायक से तुम इस तेवर से बात कर रहे हो, जनता से क्या करते हो? डर से कोई घुसेगा नहीं आवेदन लेने के लिए, आप देने के लिए? सब बातें नहीं है, ये मार लग देखे महिला का क्या कौन मारा है? देवर है, पत्रकार है तो महिला के साथ इस टाइप से अत्याचार हो, ये बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नाम आवेदनवा देगा तब ना कोई कार्रवाई होगा। कहते हैं सर अभी का एप्लीकेशन, उनको बोले सर रिसीव कर दीजिए, नहीं रिसीव होता है। सर बात किए हैं, सर बैठे हुए थे, क्या करते मरौती परवारी बैठे हुए थे, ये सब इतना सर बदतमीजी सी बात किए सर। पांच बदतमीजी से बात किया सर, पांच बदतमीजी आप सेवा के लिए है यहाँ पर। उसका सर बोले उसका सर इनका व्यवहार सर इस तरह है कि सर जो भी आता है प्रभारी से ज्यादा इनका आवाज है सर। अभी देखे ना, अभी आपने रहते तो और इससे ज्यादा बोलते हैं सर। कौन सी ज्यादा बोलते हैं अभी सर खुद देखे तुरंत एप्लीकेशन लिखे सर, इनको अभी दिए सर रिसीव नहीं किए, बोले रिसीविंग नहीं करेंगे, जाएगी आपको। व्यवहार आपका रहेगा तो कोई आएगा यहाँ कंप्लेंट करने? कौन सी व्यवहार? क्या आपका क्या बोली भाषा? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्या बोली? हेलो, इस वीडियो के सह प्रायोजक हैं अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट, ए कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट जहां मिले लजीज खाने से लेकर चाइनीज़ फूड तक सभी आइटम्स, साथ में फ्री कैबिन सिस्टम जहां आप अपने प्राइवेसी मोमेंट्स हमारे लजीज खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो कहां आना है आपको? आना है अक्षत फैमिली रेस्टोरेंट जिसका पता है कपसिया चौक नियर परिणय गार्डन बेगूसराय। कैसे बोल रहे हैं, क्या बोले हैं? बात देखिए 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 किस तरह व्यवहार कर रहे हो? कार्यालय में विधायक जी आए हुए थे, विधायक जी सर देखिए सर बात किया जाए आइए सर थोड़ा एक मिनट पहले सुनो, क्या काम है यहाँ पर? क्या ड्यूटी दिया गया है? क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है पता है अपनी ड्यूटी? सब पता है सर। मिला तो एसपी को फोन सर, सर तुरंत सर उनका व्यवहार लगता है सर। अरे ये जाएगा यहाँ पर व्यवहार सही होगा रचिया है पिछले बार आए सर देने बोलते पैसा लेके आएगा सर खुद रंग चार के सरपंच सरपंच आएगा भतीजा है तो आई बात काली बात करा रहे सब यहाँ पे लफंगों को रख दिया यहाँ पर और जनता के साथ ये सब कर रहे हैं। Yeah?
क्यों दिले सर जी विधायक जी हैं बिना से इतना पूरा विधायक जी से टाइप करने लगे एंट्री कीजिए इसको एंट्री करना पड़ेगा कॉलर कर रहे हैं तो बोले चलने का तमीज नहीं पता है आ, सर, सर, सर से बात कर रहे हैं जानते हैं आप अपनी हैसियत है, जानते हैं है? अभी सर तो बोल ही रहे सर बात कीजिए सर से क्या है विवेक जी हैं सर क्या है यहाँ पे आप नौकर हैं जनता के तो हम कहा जनता से आपको तमीज से बात करनी है नहीं मेरे सामने गलत बात कर रहे हो बोले पूछे कहा हाँ सर बात किया जाए सर से दे रहे सर बात किया जाए सर विवेक जी क्या विवेक जी क्या खाने का हाल ऑर्डर आप तो जय हिंद कर रहे हैं और यहाँ तो ये पूरा हिंद महासागर बनाया हुआ है इसको खाने को क्या नाम है इसका अरे ये तो बिल्कुल बदतमीज आदमी है आपका यहाँ पे किसी का सर टूटा है हाथ टूटा है इसको बोलने की तमीज नहीं है ये जब जनप्रतिनिधि से बोलने की तमीज नहीं जानता है तो ये क्या करेगा जनता के साथ ये तो एसपी ये तो जीडीपी से भी ज्यादा तेवर वाला आदमी हम बोल रहे हैं हमारा देख रहे हैं टोन ना इस पे अभी लिखते हैं इस पे तो कार्रवाई अभी हम लिखते हैं इसको पता पता लगे ऐसा ऐसा लेता है ना अभी जाते हैं अभी मरांची प्रभारी बैठे हुए थे उनसे वो बोले कि ऐसे व्यवहार करता आपके यहाँ ऊपर एप्लीकेशन नहीं देते पूछिए ना सर ऐसे बात की है अभी और मेरे पास सर साक्ष अभी तुरंत आया सर मेरा एक फोन गाड़ी था सर सर निकाला कार्रवाई की अभी तक आवेदन अभी आवेदन दिए कहाँ है आएगा लिखने आवेदन आपने सहयोग किया है आवेदन लिखने में सहयोग हमको नहीं लिखना है आपको ने सहयोग किया आपने किसी से दिया अगर कोई यहाँ पे आके किसी के साथ दुर्घटना होगी कोई इस टाइप से इंजर्ड रहेगा उसको लिखने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे लिखवा के लाओ कैसे रात के अंधेरे में तब तक बैठे रहेंगे यही काम है आपका मौखिक बयान मौखिक बोले की आप उसको और ये तेवर कहाँ से आ गया हमको तेवर की नहीं नहीं जिस तेवर से बात करते हो कैसे तेवर आ गया जब जनप्रतिनिधि से विधायक से तुम इस तेवर से बात कर रहे हो जनता से क्या करते हो डर से कोई घुसेगा नहीं आवेदन लेने के लिए आप देने के लिए सब बातें नहीं है कैसे नहीं है बात सब बातें नहीं है अभी वो बोला कि रिसीविंग दीजिए आप क्यों नहीं रिसीविंग देंगे आवेदन का आवेदन का रिसीविंग क्यों नहीं देंगे जांच तो अदालत जांच के बाद कार्रवाई होगी ना इसने आवेदन दिया रिसीविंग क्यों नहीं दोगे अरे वह रिसीविंग खाते ऐसे किया तो भाई थाना से रिसीविंग न दिया जाता वो बहुत बात परेम से बोल दिया गया है परेम से बोल दिया गया विधायक जी ने देखा है तो पैसा दिया गया विधायक जी नाम लिखो उसका कौन है वो है गाड़ी का नहीं अब हो जाएगा वकील बयान अगर देंगे तो लिखे गए यही ना